चलिए जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी जेंडर्ड करिकुलम, ठीक है। और जेंडर्ड करिकुलम का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो ये होता है कि ये एक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है। जो आपका कोर फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव होता है वो सारा जेंडर्ड करिकुलम के गिर्द घूम रहा होता है, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा, वेन एवर वी टॉक अबाउट दी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, आपको मेरे नोट्स में भी ये मिल जाएगा ठीक ठाक, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बुक में मेंशन नहीं है उसमें। देखिए, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, याद रखिएगा, तीन सोशल इंस्टीट्यूशंस को कसूरवार ठहराता है रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन और जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। जो कोर इंस्टीट्यूशन, वैसे सारे इंस्टीट्यूशन को कसूरवार ठहराता है, लेकिन तीन इंस्टीट्यूशन के साथ उसका बड़ा गहरा प्रॉब्लम है। देखिए, एक है फैमिली, दूसरा है क्या एजुकेशन, एंड द थर्ड वन इज द वर्क प्लेस। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस दरअसल अपना अपना कंट्रीब्यूशन पेश करते हैं टू क्रिएट डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफर कराना। क्या कराना है बेटा? चाहिए। एक्चुअली इनके नजदीक सोशल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो डिफरेंट सोशलाइजेशन करते हैं, डिफरेंट सोशलाइजेशन फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स के साथ डिफरेंशिएटेड बिहेवियर रखते हैं। जब डिफरेंशिएटेड बिहेवियर होगा तो ऑटोमेटिकली उनका रिएक्शन भी चेंज होगा और हर चीज डिफरेंट होगी। देखो, वो फैमिली को कसूरवार ठहराते हैं एनोक्ले की थ्योरीज हैं इस हवाले से, जिसके अंदर बात होती है जेंडर्ड सोशलाइजेशन की, यानी के इमिटेशन हो गया, सोशलाइजेशन हो गया। इमिटेशन का मतलब होता है कि बच्चा देख देख के कर रहा होता है। कहते हैं डिफरेंट रोल्स के अंदर सोशलाइज करते हैं, राइट? जैसे पार्सन्स की थ्योरी थी, इंस्ट्रूमेंटल रोल्स फॉर मेल्स एंड एक्सप्रेसिव रोल्स फॉर फीमेल्स, यानी कि एक्चुअली डिफरेंट जेंडर्ड सोशलाइजेशन, यानी कि जेंडर डिफरेंशिएशन है सोशलाइजेशन के अंदर, ठीक है। अब उसी सोशलाइजेशन का जो इम्पैक्ट होता है वो जेंडर्ड करिकुलम के अंदर होता है। अब जेंडर्ड करिकुलम का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है, इसका मतलब है डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। यानी के मेल्स और फीमेल्स के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स हैं। क्या है मेरा बेटा? डिफरेंट। अच्छा देखो, एक्चुअली क्यों हो रहा है वो? हो इसलिए रहा है क्योंकि जेंडर सोशलाइजेशन ने डिफरेंट रोल्स दिए थे। क्या दिए थे मेरा बेटा? फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। अब जब फैमिली की सोशलाइजेशन ही डिफरेंशिएशन पर बेस करती है तो डेफिनेट सी बात है एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स आर गोइंग फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट सेट्स, एम आई राइट? अब जब ये डिफरेंशिएशन होगा मेरा बेटा तो ऑटोमेटिकली होगा क्या? आगे आती है बात, वी आर गोइंग फॉर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेग्रीगेशन। हम वर्क प्लेस के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेग्रीगेशन बेयर करते हैं। अब देखो, हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिपार्ट्स फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। देखो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं, लेट्स सपोज एचआर का डिपार्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अ फीमेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट। दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग जो है, इट्स मोर कंसिडर्ड एज अ मेल ओरिएंटेड जॉब, सही है। इसकी वजह क्या है? आपने एजुकेशन भी वही हासिल की थी, हम राइट? अब एजुकेशन की आपको मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, सर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर एक एजुकेशन होती है जिसको हम कहते हैं होम इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं बेटा? कराची में एक बहुत बड़ा कॉलेज है आगा खान हॉस्पिटल के सामने, राणा लियाकत अली खान होम इकोनॉमिक्स कॉलेज, ठीक है। दैट एजुकेशन इज ओनली फॉर वेमेन, यानी कि आपने, अब वो क्या है? होम इकोनॉमिक्स, यानी कि घर की इकोनॉमिक्स को कैसे चलाना है, ठीक है।
इसके यानी कि अब मुझे ऐसा लगता है उसकी जब कोर्स आउटलाइन बनाई गई थी उसका मकसद ये था कि लोगों को घर पर बैठ के उन्होंने तैयार करना है कि घर के अच्छे अच्छे एक्सप्रेसिव रोल फॉर वुमेन, एम आई राइट? यानी कि होम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ने जा रहे हैं लोग, इसलिए जा रहे हैं कि उनको जेंडर्ड सोशलाइजेशन ने बताया कि आपका रोल इज़ विद इन द होम, एम आई राइट? एंड जो सबसे ख़तरनाक बात है उस चीज़ की, होम इकोनॉमिक्स इज़ नॉट फॉर द मैन, इज़ नॉट ओनली फॉर द वुमेन। होम इकोनॉमिक्स कॉलेज होता है ख़वातीन के लिए, सही है? इसका मतलब क्या है? इट्स बेस्ड ऑन द जेंडर सोशलाइजेशन। अब डेफिनेट सी बात है वो आगे जाके वर्क प्लेस पे भी वही रोल परफॉर्म करेंगे जो उन्होंने सब्जेक्ट पढ़े हुए होंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो वर्टिकल सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, वर्टिकल सेग्रीगेशन मीन्स हायर पोजिशंस फॉर मेन और फिर लोअर पोजीशंस फॉर वुमेन। बहुत सिंपल सी बात है, हायर पोजीशंस फॉर मेन एंड लोअर पोजीशंस फॉर वुमेन। क्या है बेटा? वर्टिकल सेग्रीगेशन है। क्या है मेरा बेटा? यानी कि आप, यानी कि सीईओ इज यूजुअली मेन एंड रिसेप्शनिस्ट और द सेक्रेटरी इज नॉर्मली वुमेन, एम राइट? It's also based on the gendered curriculum. Gendered curriculum एक ऐसा primary element है जो के bridge create कर रहा है gender differentiation का within from family to the workplace. ठीक है, यानी कि family to the workplace जो actual आप कह सकते हैं जो वर्क प्लेस के ऊपर जाते हुए एक्चुअली फैमिली ने एक चीज़ डेवलप की, एक डिफरेंशिएटेड रोल डेवलप किए, उसको कैरी किया एजुकेशन सिस्टम ने और उस एजुकेशन सिस्टम की वजह से वर्क प्लेस के ऊपर जेंडर इनइक्वालिटी डेवलप हो रही है, एम राइट? अब देखो पर्टिकुलरली जो मॉडर्नाइज वेमेन है ना, क्या कहते हैं आप कह सकते हो मॉडर्नाइज आइडेंटिटीज ऑफ वेमेन है टूवर्ड्स असर्शन असर्टिवनेस, उसके अंदर जो मिडिल एज वुमेन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जेंडर इनइक्वालिटी में वो है डिफरेंशिएटेड वेज रेट्स, एम आई राइट? यानी कि डिफरेंट वेज रेट फॉर मेन एंड डिफरेंट वेज रेट फॉर वुमेन। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने कहा ना डिफरेंशिएशन लीड्स टू द इनइक्वालिटी, डिफरेंशिएशन लीड्स टू द, जब आप डिफरेंशिएटेड बिहेवियर रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इनइक्वालिटी होगी, एम आई राइट? समझ में आई बात? क्योंकि differentiated behavior leads to that particular thing, ठीक है? अब उसके अंदर society की cultural norms भी आ जाते हैं, सही है? अब उन cultural norms में क्या है कि भाई culture के अंदर लिखा हुआ यही है, am I right? ठीक है कि भाई ये यानी कि family ने क्या inbuilt किया आपके अंदर, ये तो तुम्हारा घर है ही नहीं, तुम्हारा घर तो होने वाला है, सही है? ठीक है, वो जो नया घर वाले होते हैं वो कहते हैं वो पुराना वाला तुम्हारा घर था, तो वो बेचारी ऑटोमेटिकली वो एक पेंडुलम का शिकार हो गई कि कहाँ कौन सा घर मेरा है। ठीक है, दिस इज मोर अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ द फैमिली and a differentiated curriculum within the education system. एक आपने जो stereotype, एक glass sealed element आपने create किया हुआ है for the women, अब वो automatically उसी तरह के roles को आगे pursue करेंगी, expressive roles, am I right? तो वो instrumental roles में जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी तो automatically economic inequality gain करना possible नहीं, समझ आई बात? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा सा book के through understand करते हैं। अच्छा जी, फॉर फेमिनिस्ट द वे इकोनॉमीज आर स्ट्रक्चर्ड सेंड्स मैसेज टू द स्टूडेंट्स हाउ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर जेंडर्ड, हाउ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर जेंडर्ड। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि डिफरेंट जेंडर्ड हो जाते हैं। दिस ट्रांसलेट टू जेंडर्ड करिकुलम चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ मोस्ट पॉपुलर चॉइसेस, गर्ल्स ऑफन चूज सब्जेक्ट्स सच एज इंग्लिश, साइकोलॉजी, आर्ट, डिजाइन, सोशियोलॉजी एंड मीडिया स्टडीज, बॉयज ऑफन चूज सब्जेक्ट्स सच एज फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी एंड फिजिकल एजुकेशन। सही है, क्या हो गया? डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट हो गया फॉर मेन एंड वेमेन। ठीक है, दिस डिफरेंस इन सब्जेक्ट चॉइसेस एट स्कूल लेवल ट्रांसलेट टू डिफरेंस इन अंडर ग्रेजुएट लेवल। अब सेल्फ एंड जीले ने जो पर्टिकुलरली चीज नोट की है ना वो क्या है कि बच्चों ने जो इनिशियल लेवल पे सब्जेक्ट चॉइसेस रखी थी अंडर ग्रेजुएट लेवल के फॉलोइंग, सेल्फ एंड जीले नोट दैट मोर वुमेन देन मेन स्टडी सब्जेक्ट लिंक टू द मेडिसिन सच एज नर्सिंग, मोर मेन देन वुमेन स्टडीड बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज। देखो मेरी बात सुनो, ये दोनों आइडियाज इंस्ट्रूमेंटल और एक्सप्रेसिव रोल के साथ लिंक्स हैं, एम आई राइट?
नर्सिंग इज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द एक्सप्रेसिव रोल, वाइल द टेक्नोलॉजी एंड द प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग इज मोर लिंक्ड विद द इंस्ट्रूमेंटल रोल. अब डेफिनेटली बात है जो मैंने आपको पहले समझाया कि भाई क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन हो जाएगी. डिफरेंट डिपार्टमेंट जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होंगे दे आर डोमिनेटेड बाय मेल्स एंड लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स आर डोमिनेटेड बाय वुमेन. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो फिर इसका इंपैक्ट वर्टिकल सेग्रीगेशन पे भी होगा. जो टॉप मैनेजमेंट हायरार्की होगी इज नॉट फेवरेबल फॉर वुमेन, इट्स मोर फेवरेबल टू द मेन. पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो वुमेन सीईओज बहुत कम है दुनिया के अंदर, सही है. लेकिन यूके के अंदर आप अगर हम देखते हैं, द इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन इन द यूके आर्ग्यू दैट एजुकेशन अचीवमेंट्स गर्ल्स कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म बॉयज एट ऑल लेवल्स ऑफ यूके एजुकेशन सिस्टम. इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन कहता है कि गर्ल्स ने आउट परफॉर्म किया है एजुकेशन के अंदर बॉयज को, ठीक है. लेकिन अब देखो आगे क्या आता है, बट दिस इज नॉट नेसेसरली हेल्पिंग वुमेन इन टू वेल पेड जॉब. यानी कि वो एजुकेशन में तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उनका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है इट्स मोर इंक्लाइन टूवर्ड अ जेंडर्ड करिकुलम, जिसकी वजह से वो वर्क प्लेस के ऊपर वेल पेड जॉब्स के लिए नहीं आ पा रही. दिस सजेस्ट दैट वन कॉज ऑफ द वेरिएशन बिटवीन अचीवमेंट एंड ऑक्यूपेशन इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, कि भाई जेंडर आपने स्टीरियोटाइपिंग की है. द आइडिया दैट बॉयज एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट एजुकेशन ऑक्यूपेशन एप्टीट्यूड्स एज वेरेंटन एंड यंगर नोट मेल एंड फीमेल करियर एस्पायरेशंस ऑफन रिफ्लेक्ट ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप्स सच एज चाइल्ड केयर, नर्सिंग, हेयर ड्रेसिंग, सेक्रेटेरियल फॉर गर्ल्स, कंप्यूटिंग, अकाउंटेंसी एंड प्लम्बिंग फॉर बॉयज. यानी कि ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि आपके जो स्टीरियोटिपिकल रोल्स थे, सही है, जेंडर सोशलाइजेशन के, वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं किसके अंदर, आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर. देखो मेरी बात सुनो, होता क्या है, आपकी एक तरह से इंस्टिंक्ट बन जाती है टूवर्ड्स पर्टिकुलर रोल, सही है. पर्टिकुलरली वो खवातीन जो जेंडर सोशलाइजेशन में जेंडर इक्वालिटी को बेयर करती हैं, उनको बताया जाता है कि मेल्स एंड फीमेल्स आर इक्वल, तो वो एजुकेशन के अंदर भी वही सब्जेक्ट्स लेती हैं और वो वर्क प्लेस में भी इक्वालिटी की बात करती हैं, ठीक है. बट एज कम्पेयर टू दोज वुमेन जो कि जेंडर सोशलाइजेशन जिनके अंदर इनबिल्ड कर दी जाती है, जिनमें जेंडर सोशलाइजेशन इनबिल्ड कर दी जाती है कल्चरल नॉर्म्स की वजह से, रिलीजियस नॉर्म्स की वजह से, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो पर्टिकुलर चीज एक्चुअल में क्या करती है, वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करती है एजुकेशन के अंदर, ठीक है, आपके फ्यूचर गोल्स के अंदर भी. एम आई राइट? जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं वहां पर क्या है कि आपका जो मेजर प्रोपोर्शन है वुमेन का वो वर्क प्लेस पे आता ही नहीं. भाई शादी वो मैरिज ब्यूरो का एड आया हुआ होता है ना कि एक डॉक्टर लड़की का रिश्ता दरकार है, ठीक है, एक जो क्या कहते हैं जो आगे जाके काम ना करे. माशाल्लाह आपने आपने इकोनॉमी के साथ क्या खिलवाड़ किया, लिटरली दैट शोज अवर माइंड सेट, ठीक है, कि उनको पढ़ी लिखी एजुकेटेड बंदी चाहिए जो काम ना करे, सही है. अब वो कहते हैं ना कि हमें घर में अच्छा काम करने वाला नौकर चाहिए, पढ़ा लिखा नौकर चाहिए, वी नीड टू हायर सम PhD सर्वेंट्स फॉर अस, दैट्स देयर माइंड सेट, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली अच्छा अब वो आपकी बात अलग है कि आपकी सोसाइटी के अंदर क्या है, तो उनका रोल है, वो बात सिंपल है. लेकिन देखो दो चीज़ें, होम केयर और चाइल्ड केयर बाय चॉइस है या बाय फोर्स है, ये दो चीज़ें. बाय चॉइस बहुत सारे लोग अपना करियर परसू करने के बाद छोड़ देते हैं चाइल्ड केयर की वजह से, बाय चॉइस है, उसमें कोई मसला नहीं है. लेकिन सोसाइटी जिसके अंदर एज अ स्ट्रक्चरल फोर्स इन्फोर्स करती है कि आप ये काम ना करें, उससे होता क्या है कि सोसाइटी का जो मेजर प्रोपोर्शन होता है टैलेंटेड जो क्राउड होता है वो ऑलरेडी स्टक हो जाता है ऐसे कामों के अंदर जो उसके लिए नहीं बने हुए होते. आप सिंपल सी बात है ना, आप डॉग की डॉक्टर का मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट की किसी इंस्टीट्यूशन से कोई डॉक्टर करके आ रहा है लाहौर के अंदर, कीमो है, अगर किसी बंदी ने किया है तो इसका मतलब क्या था, क्या है इसका मतलब, ये स्टेट ने उस पर पैसा लगाया है. आप अगर एक प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, तो मिलियंस ऑफ रुपीज की फीस पे करनी पड़ती है और गवर्नमेंट जो होती है वो सब्सिडाइज कर देती है वेरी फ्यू प्राइस के अंदर. तो इसका मतलब है गवर्नमेंट का इतना टैक्स का पैसा बर्बाद हो गया अगर एक बंदा काम नहीं कर रहा, आपने पूरी सोसाइटी को एक तरह से मफलूज कर दिया, पैरालाइज हो गई ना सोसाइटी. यानी कि आपका एक फंक्शन, यानी कि आपने बहुत सिंपल सी बात है, आपने एक प्रोडक्ट बनाया था लेकिन वो मार्केट में नहीं आया, सही है, तो सप्लाई पे इंपैक्ट आ जाएगा, सिंपल सी बात है. फेमिनिस्ट एक्चुअली सिर्फ जेंडर करिकुलम की बात नहीं करते, वो वर्क प्लेस इनइक्वालिटीज की बात भी करते हैं, सही है, कि जो ग्लास सीलिंग का इंपैक्ट हो गया, सही है, तो वो एक एग्जिस्ट करती है दुनिया भर के अंदर एक चीज, ठीक है.
लेकिन उसके अंदर ये कि आपने अगर आपने कम्पीट ही नहीं किया तो आप तो गेम से बाहर हो गए ना। अगर आप उस ग्लास सीलिंग को ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहे या उसके अंदर कम से कम उस मार्केट में कम्पीट भी नहीं कर रहे तो आप तो गेम से ही बाहर हो गए। तो जीत और हार का तो गेम ही खत्म हो गया ना। वंस यू आर नॉट प्लेइंग द गेम देन यू आर नॉट एबल टू गो फॉर द विन और लूज। एम आई राइट? तो इफ यू वांट टू डिसाइड दिस थिंग कि आप जीत गए या हार गए, यू नीड टू प्ले द गेम। दिस इज द रियलिटी। वन एरिया इन विच जेंडर स्टीरियोटाइपिंग अपीयर्स इनटू द स्कूल करिकुलम इज वोकेशनल एजुकेशन एंड वर्क बेस्ड ट्रेनिंग। ठीक है, यानी कि वर्क बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर ये चीज एंड अप की जाती है। इन द स्कूल करिकुलम देयर इज एविडेंस दैट वर्क एक्सपीरियंस प्लेसेस बॉयज एंड गर्ल्स इनटू ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइपिकल जॉब्स। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मैकिन्जी की स्टडी है, 45% of the girls were allocated to caring placements, but these did not always reflect their choices. यानी कि अब क्या हुआ कि उनको इनबिल्ड कर दिया, जैसे मैंने कहा ना होम इकोनॉमिक्स एक बिल्ड किया गया और वो इन्फोर्स किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, बॉयज हु डिड नॉट गेट देयर प्रेफर्ड प्लेसमेंट टेंडेड टू एलोकेटेड टू ऑक्यूपेशन दैट दे कंसिडर्ड एज देयर न्यूट्रल और ट्रेडिशनल ईमेल। यानी कि आप देखो बहुत सारे जो कहीं पर भी करवा दो तो इसका मतलब दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स इंजीनियरिंग रोल्स, इंस्ट्रूमेंटल रोल्स की बात करें। यानी कि अगर आप आंखें बंद करके देखें तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो जो जेंडर सोशलाइजेशन हुई है उसका इम्पैक्ट आगे आ रहा है। गर्ल्स हु वर अनसक्सेसफुल फॉर देयर प्रेफर्ड प्लेसमेंट वर एलोकेटेड टू ट्रेडिशनली फीमेल ऑक्यूपेशन। सिंपल सी बात है, यानी कि जो आपको अपनी पसंद से नहीं मिलेगा तो आपको सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते इन दिस रिस्पेक्ट, वोकेशन ट्रेनिंग इज मोर लाइकली रिजल्ट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स बींग डायरेक्टेड इन टू ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ जेंडर्ड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी क्या हुआ, ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जेंडर्ड एम्प्लॉयमेंट आ गया। केपी में हाउएवर आर्ग्यूज दैट वाइल देर आर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टीरियोटाइपिंग एंड सेग्रीगेशन इन वोकेशनल एजुकेशन बिकॉज रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ ऑक्यूपेशन टाइप्स कवर्ड, एकेडमिक एजुकेशन डज नॉट नेसेसरीली गारंटी अ लैक ऑफ स्टीरियोटाइपिंग एंड सेग्रीगेशन। अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो, वोकेशनल एजुकेशन के अंदर डिफरेंशिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एकेडमिक। एकेडमिक में भी होते हैं लेकिन वोकेशनल में ज्यादा होते हैं। अक्रॉस यूरोप जेंडर सेग्रीगेशन इन द लेबर मार्केट हैज नॉट बीन कंसिडरेबली रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड्स एज फार एज टिपिकल मेल एंड फीमेल ऑक्यूपेशन। ठीक है, यानी कि यूरोप कोशिश तो बहुत कर रहा था कि वो किसी तरह से जेंडर सेग्रीगेशन को रिड्यूस कर सके, लेकिन वो कम हुई नहीं। सच एज इलेक्ट्रिशियन एंड नर्सेज आर कंसर्न, the argument here therefore is that one role of the vocational education is to reinforce gender stereotypes and division in ways that are not quite so clear with the academic forms of education, mainly because they do not necessarily direct males and females into particular forms of work at a relatively early age. ab dekho meri baat suno, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई कि किस तरीके से आपका वोकेशन एजुकेशन सिस्टम लोगों को इन्फोर्स करता है। देखो वोकेशन एजुकेशन सिस्टम की खास बात ये होती है कि ये बहुत अर्ली एज के अंदर आपको वर्क प्लेस पर ले आता है। सही है, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आपने वोकेशन एजुकेशन में की होती हैं उसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, although female horizons have widened over the past 25 years, feminists argue that the traditional assumptions about masculinity and femininity continue to influence both family and work relationship in areas such as textbook and gender stereotyping. yani ki textbook ke andar gender stereotyping nazar aayegi, yani ki females ko more inclined towards unko ghar ke jo domestic roles hain usme dikhaya jayega. theek hai, phir iske baad iske aage agar hum padhte hain, टेक्सबुक और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में बहुत ज़्यादा ये चीज़ इन्फोर्स की जा रही होती है। इसके बाद सब्जेक्ट हायरार्कीज होती हैं, बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स क्विकली अप्रिशिएट सम सब्जेक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, बोथ इन द फॉर्मल करिकुलम सच एज इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस एंड आउटसाइड करिकुलम सब्जेक्ट्स नॉट कंसिडर्ड वर्थी। एंड यानी कि अब क्या होता है कि सिस्टम ने ऐसे बिल्ड कर दिया एक चीज़ है, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसे एक बहुत सिंपल सी बात है कि जो बेस्ट का आर्गुमेंट है कि भाई डेमोंस्ट्रेटेड हाउ प्री स्कूल टेक्स्ट डिजाइन टू डेवलप रीडिंग स्किल्स रिमेन पॉपुलेटेड बाय सेक्सिस्ट असम्पशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। यानी कि जो आप रीडिंग कर रहे होते हो लिटरेचर वगैरह इन सब चीज़ों के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, सेक्सिस्ट असम्पशंस को रीइन्फोर्स किया जा रहा होता है। जेनरल हायरार्कीज रिफ्लेक्ट दीज सब्जेक्ट्स हायरार्कीज विद मेल चूजिंग द हायर सब्जेक्ट्स। ठीक है, नॉर्मन आर्ग्यू दैट अ टीचर एक्सपेक्टेशन स्पेशली द अर्लियर स्कूलिंग एम्फसाइज फीमेल रोल्स रिलेटेड टू द मदर केयर। यानी कि फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि भाई बच्चों को बचपन से क्या सिखाया जा रहा होता है, आप जो उनको वो दे रहे होते हो टॉयज दे रहे होते हो तमाम चीज़ें दे रहे होते हो, इसमें वो मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स एक्सप्रेसिव रोल एंड मेल्स आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द
इंस्ट्रूमेंटल रोल. यानी कि देखो वो जो बच्चों को आप टॉयज दे रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम ना, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर एक्टिविटी, यानी कि क्या सीख रहे हैं. ठीक है, इस तरह से हमारा एक बेसिक आइडिया जनरेट होता है. अब जेंडर्ड करिकुलम में होता क्या है कि फीमेल्स आर परफॉर्मिंग सो गुड इन देयर एजुकेशन बट दे आर नॉट एबल टू अचीव वेल थिंग्स इन देयर वर्क प्लेस बिकॉज उन्होंने जो पढ़ा है उसकी इंप्लीमेंटेशन वर्क प्लेस पे लोअर सेग्रीगेशन के अंदर है, लोअर लेवल्स के ऊपर है. एमआरआई ठीक है, क्यों? अब वो पढ़ने की वजह क्या थी? इट्स मोर अबाउट द जेंडर सोशलाइजेशन, इमिटेशन, कैनलाइजेशन, ये तमाम चीजें एलिमेंट होती है. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया?